क्या आपका घर या आपकी दुकान कोई बांध सकता है? प्रथम दृष्टया अगर सोचा जाए, सुनने में जो ये लग रहा है वो लग रहा है कोई रस्सी लेकर के बांध दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ जो निकलता है वह अभिधा व्यंजना लक्षणा के आधार पर यह निकलता है कि आपकी बरकत को, आपकी उन्नति को, आपके प्रोग्रेस को किसी ने कुछ करके, कुछ क्रियाओं के द्वारा रोक दिया है। इसे कहते हैं घर या दुकान का बांधा जाना। यह तंत्र क्रिया के अंतर्गत आता है, यह बंधन प्रयोग कहलाता है। इसका कुंडली में छठे भाव से सीधा सीधा संबंध होता है। छठा भाव सबसे ज्यादा बंधनों का होता है। छठे भाव से ही हम किसी के जीवन में कारावास योग भी देखते हैं। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है, अगर छठे भाव का संबंध लग्नेश अथवा दशमेश से होता है, आपके लग्न स्वामी दशम के स्वामी से होता है, तो इससे, इस योग के कारण व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है। इसका अर्थ क्या निकला कि ऐसा होता तो नहीं है लेकिन लगने की वजह से महसूस होने लगता है। संयोग है, चंद्रमा का संचरण है, हो सकता है किसी दिन दुकान में कम ग्राहक आए हो। इसका अर्थ ये कतई नहीं निकालना चाहिए कि आपकी कुंडली के अनुसार किसी ने बांधा हुआ है। आपके मस्तिष्क में बंधन है और आप घर और दुकान को खुलवाने के लिए अपने लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पूरी तरह से मिथ है। आप अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप बिल्कुल इस पर भरोसा मत करिएगा, मस्त रहिएगा, ईश्वर की आराधना करिएगा और सबसे बड़ी चीज इसमें अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा कि ऐसा कतई नहीं हो सकता है। जहां आपने इस सोच को विकसित किया, यकीन मानिए सच में ऐसा कतई नहीं महसूस होगा, क्योंकि ये आपकी सोच से निकली हुई एक घटना है, क्रिया कुछ है ही नहीं।